subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बंद हुआ है 17,713 पे लगभग 28 पॉइंट गेन के साथ। तो शुरू करते हैं एनालिसिस विद बिगर चार्ट। तो मंथली चार्ट पे देखोगे इस महीने के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं लगभग 3% अप। दो हफ्ते हो चुके हैं और इन दो हफ्तों में हमने निफ्टी में 3% के गेन ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट वीक, लास्ट मंथ जो है तो हमने 9% की रैली देखी थी। वही रैली जो है तो उसमें फॉलो बाइंग आ रही है और हम जो है तो धीरे धीरे जो ऑल टाइम हाई था हमारा 18,500-18,600 के अराउंड उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो चार्ट पे जो लॉन्गर टर्म चार्ट है, यहाँ मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में बीच बीच में करेक्शन आ सकते हैं, मगर मोस्टली अभी ट्रेंड जो है तो अप हो चुका है या बुलिश हो चुका है। और हम जो है तो 18,450 और 18,750 के लेवल के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इन लॉन्गर टर्म। यहाँ डिप्स आ सकते हैं, बिगर डिप्स भी आ सकते हैं, मगर आपको वो डिप्स बाइंग के लिए यूज़ करने चाहिए। नीचे जो सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट जोन एज पर मंथली चार्ट, वो है 16,400 से 500 के बीच में। तो उस लेवल पे अगर निफ्टी कभी आता है किसी कारणवश तो आपको बाइंग की ही सोचनी चाहिए। विथ टारगेट जो रहेगा आपका, जो लॉन्गर टर्म टारगेट रहेगा वो 18,450 से लेकर 18,750 रहेगा। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो इस वीक जो है तो निफ्टी गेन के साथ बंद हुआ है लगभग 1.7%। लगभग 300 पॉइंट की रैली देखी थी लास्ट वीक जो है, तो हमने 200 पॉइंट की रैली देखी थी 1.25%। अब बंद हुआ था और ये चौथा वीक है निफ्टी के लिए जिसमें ये गेन के साथ बंद हो रहा है। और हम धीरे धीरे जो है तो 18,150-18,450 के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं एज पर वीकली चार्ट। यहाँ भी जो सपोर्ट जोन है मेजर, वो है 16,400 से लेकर 16,500 के बीच में। तो अगर डिप्स आता है तो आपको उसमें उस लेवल पे अच्छी खासी बाइंग करनी है। और आपका जो टारगेट रहेगा अभी आने वाले हफ्तों के लिए वो रहेगा 18,150। उसके बाद में 18,450 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म ट्रेंड चेंज हो चुका है। और यहाँ जो है तो अभी इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा समय आने वाला है। तो यहाँ जो भी अंडर वैल्यूड स्टॉक है या फिर क्वालिटी स्टॉक है जो अच्छे खासे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपको जो है तो एक्यूमुलेशन और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए और बीच बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुकिंग करते रहना चाहिए। तो यहाँ अभी हम बुलिश एनवायरनमेंट में एंटर कर चुके हैं और यहाँ जो स्ट्रैटेजी रहेगी मीडियम टू लॉन्गर टर्म वो बाय ऑन डिप्स ही रहेगी। टारगेट जो है तो ऊपर के रखने हैं आपको, ना कि नीचे के। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे जो मेरे टारगेट थे 17,300-17,700, ये दोनों अचीव हो चुके हैं। अभी अगर यहाँ जो है तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है 17,700 के अराउंड, जो रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसके अराउंड जो है तो आपको बाय ऑन डिप्स जो रखना चाहिए। जैसे ही हम 17,700 को पार करेंगे आपको जो दिखेगा कि 18,150-18,450 के टारगेट जो है तो निफ्टी आपको टेस्ट करते हुए दिखेगा। तो यहाँ मेरा जो व्यू रहेगा, जो सेफ्टी है वो 17,700 के ऊपर होती है शुरू, मगर यहाँ नीचे अगर डिप्स आते हैं तो मैं वहाँ भी बाइंग करने की सोचूंगा। जैसे ही हमें अर्ली रिवर्सल साइन दिखते हैं डिप्स के बाद में, वहाँ जो है तो हम एंटर कर सकते हैं एज पर 15 मिनट के चार्ट या फिर आवरली चार्ट पे आपको वो रिवर्सल पॉइंट दिख सकते हैं। यह बड़ी मूव जो है तो 17,700 के ऊपर ही आएगी। अगर ये 17,700 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको जो है तो अच्छे खासे गेंस जो है तो निफ्टी दिखा सकता है अगले आने वाले हफ्तों में, जिनके टारगेट रहेंगे 18,150-18,450 के टारगेट आपको निफ्टी ज़रूर दिखाएगा। और 17,700 के ऊपर ही आपको बाइंग करनी अगर सेफ्टी चाहिए तो। बीच बीच में आई विल मोस्टली प्रिफर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। अगर डिप्स आते हैं तो वहाँ जो है तो रिवर्सल पे हम बाइंग का ही सोचेंगे। शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, यहाँ जो है तो लॉन्ग ट्रेड पे ही फोकस करना है। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो इन द मनी कॉल ऑप्शन पे फोकस करना है आपको डिप्स पे। और जो टारगेट रहेंगे मुझे लगता है कि आपको फ्यूचर के जैसे टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है अगर 18,150 जाता है तो जो इन द मनी कॉल ऑप्शन रहेगा और थोड़ा सा डीप इन द मनी लेना है तो आपको जो है तो फ्यूचर के जैसे गेंस मिल सकते हैं। तो यहाँ से 18,150 का जो लेवल है वो करंटली लगभग 450 पॉइंट ऊपर है। तो 400 पॉइंट का टारगेट पकड़ के चल सकते हो, 50 पॉइंट इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू पकड़ ले, इंट्रेंसिक नहीं टाइम वैल्यू पकड़ के चलिए जो डिग्रेड होगी। तो 400 रुपये आपको इन द मनी कॉल ऑप्शन में मिल सकते हैं। अगर 18,350 का टारगेट आता है अगले हफ्तों में,
आने वाले हफ्तों में, तो उसमें भी आपको जो है तो लगभग करंट लेवल से 600-650 अगर आप मंथली ऑप्शन में करोगे तो ये पूरे के पूरे पॉइंट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि उसका जो डेल्टा है वो लगभग एक के करीब ही रहता है और वहाँ टाइम वैल्यू भी डिग्रेड नहीं होती है, तो उसमें भी आप फोकस कर सकते हो। मगर आपको फोकस करना है इन द मनी कॉल ऑप्शन पे, और वो डिप्स पे आपको बाय करना है या फिर ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हो या एक्यूमुलेट कर सकते हो। और जिन्होंने भी लॉन्ग कैरी किए होंगे उन्हें ऑलरेडी लगभग 3% के गेन निफ्टी फ्यूचर दे चुका है इस हफ्ते, और आने वाले हफ्तों में भी ये गेन शायद कंटिन्यू रहेगा। यहाँ जो है तो मार्केट हर एक डिप्स के साथ जो है तो शॉर्ट को ट्रैप कर रहा है, तो इसीलिए आपको शॉर्ट साइड बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि हर एक लेवल पे शॉर्ट ट्रैप हो रहे हैं और आपको एक शॉर्ट कवरिंग रैली ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगी आगे चल के भी। ये टॉप को जो है तो फ्यूरियस होगी, क्योंकि वहाँ जो है तो जो जिन्होंने निचले लेवल पे शॉर्ट किया है उनके एमटीएम लॉसेस जो है तो मार्जिन कॉल को ट्रिगर कर सकते हैं, तो इसकी वजह से टॉप पे जो है तो अच्छी खासी बड़ी सी कैंडल इसीलिए तैयार होती है, क्योंकि वहाँ जो है तो मोस्ट ऑफ द शॉर्ट जो है तो ट्रैप होने के बाद उनके मार्जिन कॉल हिट होते हैं और मार्केट ऑर्डर या फिर मार्केट ऑर्डर से बास्केट जो है तो प्लेस की जाती है, जिसकी वजह से और बाइंग प्रेशर बनता है मार्केट पे, जिसकी वजह से आपको जो है तो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखते हैं। तो यहाँ क्लियरली लॉन्ग साइड पे रहना है। इस हफ्ते हमें जिन्होंने भी लॉन्ग किया होगा उन्हें ऑलरेडी 3% लगभग 300 पॉइंट की रैली निफ्टी दे चुका है, और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में भी आपको जो है तो 400-450 पॉइंट या हो सकता है 600-700 पॉइंट की भी रैली जो है तो निफ्टी दे सकता है। तो स्टे ऑन लॉन्ग साइड एंड आई होप सो कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन कॉल चाहिए इन लाइव मार्केट विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।